बेटे बौने दिछां देवी दे दुआले ओण चौंकियां कुड़िए सुहागे दा समां ठंडिया मिट्टिया वाहवा चुल्लियां अम्बेटे बौने दिछां देवी दे दुआले ओण चौंकियां कुड़िए सुहागे दा समां इन सिद्ध साध लोग कन भैया गल कत करी में दा अपना मजा आओ साड़े गां कदे आओ साड़े गां तुसे आओ साड़े गां कदे आओ साड़े गां तुसे आओ साड़े गां कदे आओ साड़े गां सुरगे शा सोना लखो साड़ा गरां सुरगे शा सोना लखो साड़ा गरां रुत्तां वारां ए नजरां नजारे ए सैलियां तारां बागी पपीहा जदों गीत गाए सो तेरी सजना बड़े चेते आए। दोस्तों सजना दे चेते ते तुस भुलदे नहीं पर चेता भुली दे साडे डोगरे अपनी संस्कृति अपनी भाषा ते अपनी सभ्यता गी उस चेता नूं आने दे प्रयास दे विच अज अस तुसीं ले चलिया एक नवें ग्रां पहाड़ी क्षेत्र दा ग्रां ओह डोडा जिले दे अंतर्गत आने वाला ग्रां आओ दिखने आ ओह किहड़ा ग्रां दोस्तों ग्रां रामगढ़ दे विच एक प्राकृतिक गुफा है और उस गुफा दे विच पूरा ब्रह्मांड शिव परिवार समूलचा इत्थे बैठे दा है और लोकें पर आशीर्वाद दी अपना जिहड़ी नज़र है वह रखी दी है। इत्थों दे माणक खड़ोते दे उनके कन्ने गल कत करिए खास करिए कि इतिहास है इस गुफा का वह भी थोड़े तक पहुँचाने का प्रयास करने की नाम जी थोड़ा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी किन्नी पुरानी गुफा के इतिहास है इस गुफा का और के चमत्कार जिहड़े तुसीं देखे ने ये गुफा का असें इन्ना पता है असें नहीं है जिन्ना साढ़े बजुर्गें था ये कोई प्राचीन थी गुफा है इत्थे शिवजी महाराज का पूरा परिवार जेड़ा है उत्थे बसा दा है। ये हुण कोई दो कोई पांच छे साल पहले साढ़े गुरु बड़े गुरु जेड़े शिवजी महाराज दे अस उन्हें मनदे आ वह मनमेस हिमाचल प्रदेश विच दे हैं मनमेस दे गुरु हैं वह इत्थे आए उन्हें उन्हें इतने दर्शन किए उन्हें असें सुनाया कि ये शिवजी महाराज का समूल परिवार है अगर जेड़ा यात्रु किसी अपनी शरीरी कमजोरी के कारण अगर वो मनमेस नहीं जा सकया शुद्ध महादेव नहीं जा सकता अमरनाथ जी अगर नहीं पुजी सकता है तो इतने दर्शन करिए चले जाए तो उसी उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल एक गल हो रहा है खास करिए बाबा भोले के गलों के बीच हमेशा नाग होंगे तो नागें की देन है इतने जेडे जल स्रोत ने एक कन्ने का एक बड़ा सोहना नाड़ू बगा करता बिल्कुल जल के बारे में क्या आखना चाहिए नागें की कितनी कृपा है इतने नागें की इतनी कृपा है कि अगर ये नाग साढ़े तो इतने अस्ते इसी रामगढ़ की देव भूमि मनते हैं एक नाग की गल नहीं इतने असें साड़ा गुजारा ही समझो इन कृपा कन्ने होंदा ये पानी जितना भी है एक ये है ये अग्गे हैं सब इस नाग के बदौलत हैं अस इन्हें नागें इतने महत्व देंदे हाँ कि अगर ये नाग नहीं होन तो हो सकता है पानी साढ़े सुक जाए। बिल्कुल सच गला करते हैं दोस्तों
कि इंसानी रूह जी है उसकी हर चीज़ चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, आकाश चाहिए, खास कर हवा चाहिए, प्रकृति की सारी सुख सुविधा चाहिए, पर उस सारिया देन को दिन उस प्रभु दियाँ उस इष्ट देव दियाँ जिड़िया अज वो मिला कर दियाँ। अज जे दर्शन से तुम करवाए इतों का एक यात्रा चलती है वो माता मचेल दी मचेल माता दे बिल्कुल रस्ते दे विच असर तहसील दे कोल ये जिहड़ा खास करिए ग्राम बसता है रामगढ़ और इतों की एक और मशहूर है राजमा चौल ते वो देसी घ्यो का तड़का वह भी चखी है। तो इतों का आशीर्वाद का जिहड़ा तो सिरिश्ता लिए चलो तुहाड़ी यात्रा भी सफल हो। अस चाहते हैं कि आप सारे परिवार समेत इतने पुजो इतों का आशीर्वाद अपने पर लेइए अपने घर की सुख समृद्धि का वरदान पाई सकते हो। कैमलू पके किनोरे दाने हो कोनिया नसीबा कुने खाने हो। दोस्तों ये जरा गीत सुना कर दे इस साड़ी खास करिए भद्रवाही शैली दे विच थोड़ा डोगरी टच ये भी थोड़े कने साझा किया तो हूँ खास करिए इत्थे बैठी दी कुड़ियां इंदे कने गल कत करने इंदे मना दी गल भी थोड़े तक पहुँचाने की प्रयास करने। की नाम जी थोड़ा? मेरा नाम है मिस सिमरन। सिमरन जी पढ़ दी हो? जी हाँ, 11th क्लास। ग्यारहवीं च पढ़दी हैं पर डोगरी ही बोलने पौनी है हुण अंग्रेजी नहीं अंग्रेजी का छड्ड। ग्यारहवीं च पढ़दी हैं? ग्यारहवीं च पढ़दी हैं। एक गल खास करिए अस दिखने पे साड़ी संस्कृति दे विच बड़ा बदलाव आ वक्त पहले ग्राएं दे विच लोग जिहड़े ने उनका पहनावा उनका खाण पीन वो सारा शुद्ध है। अजकल जिहड़ी पीढ़ी है नवीं पीढ़ी खास करिए कुड़ियों की जीना टापा तो मोमो बर्गर ये लिया खाण पीन आई है पुराना चंगा है लोगों का जां अज दा चंगा? देखो जड़ा पुरान खान मतलब जे तरीके दे खान दे ओदा चंगे ही है फिलहाल दे उन्हें ते अगे दिख लेंदे हैं की चलता की नहीं पर मैनू इहदा अगे दा पसंद है थोड़ा बहुत थोड़ा पीछे दा भी मतलब मैनू सारा पसंद है। सारा पसंद है मतलब स्वाद जड़ा नवी पीढ़ी दा जड़ा नवे आवा दे जंक फूड च स्वाद लगदा पुराना मजा नहीं आवा दा। जी बिल्कुल। अपना थोड़ा इलाका इतों का तो मशहूर है राजमा चौल खास करिए बगर दे जां रामगढ़ दा नाल ही है पूरे जम्मू दे लोग मेरे ख्याल से पूरे जिहड़े भी माता जी दर्शन वास्ते आउंदे ने सारे इत्थे रुकिए वो राजमा चौल खांदे ने पर तुहाडे विच क्या शौक जिहड़ा वो दूआ मोमो ते पिज़्ज़ा पर जा? जी कोई पसंद नहीं मोमो पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी नहीं बस राजमा दाल चावल सानू बड़े पसंद है। एक गल है साढ़े ग्रां दी कुड़ियां पढ़ाई के कन्ने कन्ने अपने खेतर बाड़ी का भी काम धंधा कर दे कदे खेतर च गई हैं तुस? जी बिल्कुल कई बार। गोडियां कीतीं? जी बिल्कुल। मेहनत करी है उधर पढ़ाई भी करनी है खेतर बाड़ी भी करना तो क्या पढ़ाई दे विच दिक्कत नहीं पौंदी?
दिक्कत पौंदी है पर पढ़ना भी पौंदा है, खेत च काम भी करना है, सारा जरूरी है। एक खास करी कुड़ियों के बिच अजकल ये होंदा पुरानी कुड़ियां जिहड़ियां पढ़दियां हां पढ़ने के कन्ने कन्ने सिलाई कढ़ाई भी सीखदियां हां, घर के कम धंधे सारे सीखदियां। अजकल सिर्फ पढ़ाई है, कुड़ियां बोहिया जांदियां, जिहड़ा ब्याह होंदा कोई पति दा बटन भी टुटी है तो भी लाना नहीं आउंदा, क्या कुड़ियां सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए क्योंकि इहदा अपने के लिए अगर सीखी आ गया तो अपने कला ही बेनीफिट इस दा, खुद और कला नहीं, तो यह सीखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सच गल करदे ने दोस्तों कि अजकल की पीढ़ी अस दिखने वे पढ़ाई के कन्ने कन्ने खास करिए ग्राएं दे विच अपने नैतिक काम भी सिखा कर दिया, जिदे कन्ने सिलाई कढ़ाई और खेतरबाड़ी च भी जियां कुड़ियां आखा कर दिन ये ग्रां दियां खास करिए पहाड़ी क्षेत्र के ग्रां ये जिंदे खास करिए इतों दिखा करने वास्ते सब्जियां फल जिहड़े वह मशहूर न और इतों के खेतरबाड़ियों के विच काम धंधा करी करी अपनी पढ़ाई के विच भी नाकमा कर दें। एक होर सुना जिहा गीत सुनिया ठीक उस और मन टटोली उनके मना की गल भी तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करना। काले सप की सवारी रात जंगलें गुजारी असें किड़े रोज़ मिलना। दोस्तों ये गीत जिहड़ा इरख भरोचा साड़ी डोगरी सभ्यता का हिस्सा ये भी तुहाडे कन्ने सांझा किया तो हुण सांझ करने इत्थे बैठदे नारें दे कन्ने गलबात भी। की नाम जी तुहाडा? सपना जी। सपना इत्थों दा इत्थे करे जां इत्थों दा डवारी परिया कुतै होर भी गया? पता चलिया भाई जन्म इस धरती पर लिया तो ब्याह दूए प्रदेश च होया। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ, ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਦੂਈ ਪੱਖੀ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਦਾ ਪਕੜ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਕਿਆ ਉਗਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਪਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਤਰੂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਉੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡੋਗਰੀ ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡੋਗਰਾ ਲੱਭੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕਨੇ ਭਰੋਚੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਵੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਚੰਡ ਤਾਂ ਫਮਾਰ ਦਿਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਹਾਲੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰਹ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥੇ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਚਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ?
सस दी दिखी नहीं पर बाकी वाले बड़े दिखे बाकी ना दिखे शांत ने गंगा जल करने हर गंगा जल जितने बगदा हुआ उतने शांति होंगी बल्कि गंगा जल वाले तो ज्यादा ही जीबा मार ने ज्यादा ही जीबा मार रहे होंगे पर गंगा जल भी आखदे ओ मतलब जींदे नहीं तार दी मोएंगी तार दी है ते जींदे दी जीबा मार करा मिस हां जी कदे सस दी सेवा करने दा मौका मिले हां जी गोडे कोई गोडे के पता नहीं के नहीं कीते दा पन्ने जा दबाए दबाए मना कने दबाए जा दाग लाया नहीं मना कने पर एक चीज मैं दसना कि सस भी डरदी होनी शरीर ते शैल फलाया दा इत्थों दा राजमा चौल कने बोले उत्ते जाइए बोलेया इत्थों दा राजमा चौल नहीं जी इत्थे अपना अपना ही दा गंगा जल ने उत्ते काबू कर लिया मेरे को जो उत्ते फायदा मिलेया जा सस के डराने वास्ते शरीर बताया सस केड़ी पतली दी ओ भी मोटी दी मुकाबला करने वास्ते शरीर बताया हां जी बिल्कुल ज्यादा अगर सस थी तो अगर अस पतले थे जो सस गई तो फिर ओद मोटापा से ले लेता उधे वाला अपना चार्ज मिली था बिल्कुल दोस्तों सच गला कर देन आदे मुकाबला करना होता शरीर बधाने भी पौंदा पर गंगा जल दी जिया मैं गल पूछी है भाई गंगा जल के कंडे पर जी बसने वाली ससरिया क्या वो शांत ने इस नागर दी शांत नहीं जीवत होंगी भी मती बाहर निकलती है ये साढ़े घर घर दिया कहानियां अजक ससू के नूह दी एक और सोना जहा गीत सुनने फिर कुसा का और मन टटोली उनके मन की गल भी थोड़े तक बजाने का प्रयास करना कैसा लगा घोरिए पहाड़ें का वसना दोस्तों खास करिए पहाड़ी खूबसूरती के उपर गए आधारित साड़ा एक गीत जिहड़ा असीं तुहाड़े कन्ने सांझा कीता तो हुण इत्थों दीआं नारियां कन्ने गल कर करिए उनके मन की गल भी तुहाड़े तक पहुँचाने का प्रयास करने की ना जी तुहाड़ा राणो देवी जी सुनिया कि एक पैंची का अहुदा भी तुहानूं मिलेगा और खास करके अज जनानी की बराबरी हिस्सेदारी मिला करती है बराबरी हिस्सेदारी तो सारी जगह थोड़ा दी है पर क्या वो बराबर फैसला भी लैंदी है ना जियां खास करके ग्रां च बड़ियां लड़ाइयां होंदियां ते पैंची भी पौंदी ते कोई मकाने दी कोशिश कीती तुसीं हां जी कीती ते कई वारी अपना वर्ग पौंदी होंदी उल्टियां भी पौंदियां मकाने भी पौंदियां हां जी इक जियां पैंच बनी है अज सरकार ने मती सारियां स्कीमां दस्सियां महिला सशक्तिकरण वास्ते महिला दे उत्थान वास्ते कोई ऐसे काम धंधे ने जिहड़ी जनानियां तुहाडियां बेलियां बई है किट्ठा कोई समूह बनाई है कोई काम धंधा करन ते पैसे चार भी बई दे ने कोई ऐसी स्कीम तुहानूं पता लगी पंचायत च रही लगियां भी किश कीता भी काम कुछ करदे भी आए तो कोई फायदा होया हां फायदे भी होन हुण जियां तुहाडे इलाके दे विच सब्जी दी पैदावार बड़ी हुंदी फल बड़ा हुंदा तो क्या इह सारियां मिलिया औरतां कोई फल सब्जी करन उहदे कन्ने पैसे चार बनन इक समूह बणदा हो ते होर बढ़ोतरी हो हाँ जी सब्जियां भी लांदियां काम काज भी करदियां घर का भी संभालदियां बच्चे भी संभालदियां
सारा काम कर दिया। ते फिर संजय ला जिले घर आला फकीर आई आवे तो उसी कौन संभालदा? ओ भी संभालने पौंदे। डंडे छंदे? नहीं, डंडे भी नहीं चलते। इन्हें प्यार करने समझाते, डंडे की जाने, इन्ना काम करिए डंडे की जाने। पर एक गल है, औरतां अजकल अस दिखा करने पे बड़े सारे परदेसें दे विच डंडे लेके चलदियां ते सारी दी अट्टियां बंद कराई दियां जिहड़े फकीर लाने वाली है। तुसे कोई प्रयास किया तुहाडे इलाके च भी? बड़ा साडे इलाके च नहीं है। नहीं है? नहीं, सारे इलाके च नहीं है। मतलब जनानियों को डरते हैं बंदे? नहीं, डरते की है, जनानियां डरती हैं बंदे तो बंदे की डर अपने घर का सारा दूध धनवाला घर का हो फकिया जरूर लाने अजकल पीढ़ी दुध धनवाला को दूर नड़दी है। नहीं जी, सारे इलाके नहीं फ्रूटियां शरूटियां नहीं सारे इलाके। एक चीज़ है, किसान जिहड़ा आखदे मेहनत कश है वह पूरा दिन मिट्टी कन्नै मिट्टी हुई है तो सोना उगांदा खेतर दे विच। हाँ जी, तो जिले घर पुजदा तो उसी छन्ना भरोचे का जिले दुधा का थोवे। हाँ, तो ठीक ही लगता। ठीक है लगता। हाँ, अंग तांग है जिहड़े काम करदे। हाँ जी, एक गल होर तुहाडे नाल पुछना चाहुंदे भई जियां हुण पूरा दिन खेतरें च काम धंधा करना कन्नै आई है जियां सस्सू की भी सेवा करदियां प्राणियां खास करिए जिहड़ी कुकड़ा की बंग उठी है वो दो दो द्रुगड़ा पानी दे चुकी है दोहरे झुंड कढ़ी जाती है अजकल तो मेरे ख्याल फर्क आई है तुसें वो बेला दिखे दा जा नहीं दिखे? नहीं, थोड़ा बहुत दिखिया, ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत दिखिया है। पर अजकल झुंड 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 नहीं अजकल कढ़दियां भाइयां करदियां सेवा करदियां सासू। पहलियां जिहड़ियां झुंड कढ़दियां हां उल्लै ब्याह होना तो उनकी पहचान गै बखरी हुंदी। बड़ा लंबा सुरख जिहड़ा लाल परांदा टंगे दा होना, लंबी गुत्त होनी। अजकल तो गुत्तां भी कटाई उड़ी दियां, फैशन दुए आई ते झुंड भी कुत्थे रखना, दुपट्टा भी कड़ाउंदा सिर्फ। नहीं नहीं, करदियां ना जे भी सेवा करदियां सासू दी गल नहीं है ते सेवा नहीं करदियां, करदियां ना। पर जिहड़ी मैं पहचान पुछा दा हां पुराणी दुल्हन जिहड़ी हां, ओह नहीं है अजकल, नहीं है अजकल, नहीं है झुंड झुंड नहीं है, गुत्त छुत्त नहीं है भाइया, जूड़ा जाड़ा जां खुले बाल रखी लैंदियां अजकल। ओह बिंदी भी नहीं लांदी, पता नहीं लगदी कुआरी केड़ी ते बोहरी केड़ी। ओह तां सही गल है, ओह करदियां अजकल नहीं है कुड़ियां, बस जेहकियां पहले ही हैं तां नहीं करदियां। पर किन्या लगता जिले तुस अजकल आली पीढ़ी देखते हो जिहड़ी कख भी नहीं अपना सुहाग दी निशानी नहीं रखदियां कोई भी? बुरा लगता, ओह तां बुरा ही लगता। बिंदी की आखदी सी औरत दा सुहाग हुंदा बिलकुल सच गला करदे ने दोस्तों। जमाने ने बड़ी जिहड़ी तब्दीली ले दी है, अज फैशन ने साढ़े जिहड़े शिंगार हे पहले वह भी लुप्त होइए, जिहड़े पहले पुराने पहनावे वह भी लुप्त होइए। पर साढ़ा प्रयास है अस पुरानी गल्लां भी तुहाडे कन्नै सांझा करने आ, और नवी पीढ़ी का भी अस तुहाडे कन्नै जिक्र जरूर करने आ। पर यह संस्कृति सांझा होकर दी ग्रां रामगढ़ जिहड़ी अज होर हुण ग्रां दी दूई सभ्यता से पक्खी भी चलचै, एक पक्खी बंदे भी अज अपनी ढोलकियां शहनां चिमटे लईए बैठे दे, वह की गांदे ने वह भी तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करने आ। Yeah.
दोस्तों खास करके साड़ी डोडा जी भद्रवाह इलाका है इस इलाके कुड बड़ा मशहूर है और कुड चेता आ जाता सू माता मचेल की जल्द यात्रा जी है माता की भी बड़ा प्रिय वाद्य यंत्र लगते हैं जल्द इतों के लोग कुड पाइए नाच गाना करते हैं अज इतने कुड जरा पवा करता एक खुशी के ध्याड़े पर पवा करता इतों एक मुड़े की अज के मेरे ख्याल से कल एंगेजमेंट हुई है हूँ ब्याह की तैयारियां चला कर दें उस ब्याह का इस अस भी शामिल होए और इतों के लोगों के गल कथ करिए खास करिए जी संस्कृति साझा की है इस इलाके की खूबसूरत जी इस संस्कृति का हिस्सा वो भी थोड़े तक पजाया कुड जी मैं पहले बोलिया कि माता मचेल दे जिले यात्रा जी लोग अपनी श्रद्धा भावना करने इे कुड पाई है माता की रजान दिन अज माता की नहीं अज मेरे दर्शकें रजाने का प्रयास किया है तुसें अपनी संस्कृति कन्नै रूप रूप कराने का प्रयास है अस भी एड्डी एड्डी दूर पुजी है थोड़े तक अपनी संस्कृति की इे झलक पजाने का प्रयास करने इन कहीं गल कथ करने तो जानने इंटे को भी कुछ होर गल ना है थोड़ा मेरा ना जी भूषण भूषण जी इस खास करिए जो कुड पहचान है थोड़ी डोडा भद्रवाह की आहो ये संस्कृति खास करिए तुसें लोकें सांभी रखी दी है अज लोकें दे विच बदलाव आवा करदा अज डीजे लाइए लोग नचदे पर तुहाडी अपनी संस्कृति अपनी खुशी का त्यौहार कियां महसूस करदे असीं खुशी का त्यौहार बहुत चंगा लगदा जी क्योंकि अपना पुराना बजुर्गी प्रोग्राम है साडा इसदे उपर अस खुश होंदे अजकल दे जिहड़े मुंडे नेणे डीजे उपर नचदे ओह असीं पसंद नहीं है इत्थों दे लोग जिहड़े ने माता दे मतलब यात्रा करन जांदे ने उत्थे जाइए भी इहो जिहे सारे भैणों भरा जिहड़े ने कुड बंदे मगर कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि वह अपनी आप ही मतलब एक ध्यान नहीं जा माता के दर्शन करने तो डीजे उपर भंगड़ा पा दा कोई फिल्मी गाने उन्हें चाहिए कोई पंजाबी गाने उन्हें चाहिए अभी ग्राई बंदे हैं साड़ा प्रोग्राम जोड़ा है तो यही प्रोग्राम अभी ज्यादा पसंद करते और माता भी मेरे ख्याल से अपने उन्हें भगतें की खुश रखती है जिड़े भगत माता की प्रिय लगने वाला एक कुड पाते हैं आओ जी कुड दिल को कुड पाते असं बेला शक माता दे उ नहीं पहुँचते मैं घर भी भी अस ना ले खुशी कन्ने भंगड़ा पा लेंगे कुड भी पाई लेंगे वह ना भी ले लेंगे दिल में बंदे की तमन्ना होनी चाहिए कि माता का कुड या कुछ भी ये होना चाहिए एक गल तुहाडे कोल पुछना चाहने भी खास करके तुहाडा इलाका जिहड़ा अज तरक्की दी और कदम पधा करदा जियां सड़क भी सुने तुहाडे वास्ते कोई एक नवी निकलनी है कोई सुरंग बननी है उहदे कन्ने इस इलाके का और विकास हो हाँ जी ऐसी गल नहीं है बड़ी चीज़ें ऐसे इस चीज़ के फायदे हैं क्योंकि अगर पहले पुराने जमाने लोग थे बड़े बड़े दूर दा हुंदे हे दो दो दिन लगी जांदे हे अजकल घंटे दो घंटे सारी गलबात हो जाती जी जिथे बाद मतलब चली जाओ तो फायदा ही फायदा है एक जी हूँ थोड़ा स्कूल इतने मैं दिखा करना अजे तक कोई अहदा नहीं बदया कितनी देर का स्कूल उ लिया स्कूल बड़ी देर का जी 2015 स्कूल है तो पांच का ओदे बाद एदे बाद इत्थे कोई मतलब काफ़ी जगह से मतलब सुनाई साड़ी कोई होगी नहीं आए स्कूल था 2005 विच पहले कोई स्कूल हां हो जी हूँ इस वेले स्कूल उत्थे दा ही खड़ोता दा है टीचर कोई भी टीचर भी जेड़े आंदे चलो टीचर बेचारे आंदे जां आंदे उपरा भी कोई सकदा कोई अपनी परेशानियां भी होनी है मगर स्कूल अस चलने के इत्थे तादाद बड़ी काफ़ी है हाई सैकेंडरी हो जाती तो साढ़े बच्चे जी बार देशन दूर हो जाए तो असं फायदा है तो बड़ा दूर पवेगा मुश्किल पवेगी ग्राई लोग हाँ कमाई भी साड़ी कुछ नहीं है जिम्मेदार लोग हाँ बिल्कुल दोस्तों ये लोग अपना कुछ दर्द भी दसा करते हैं और अपनी संस्कृति भी साढ़े कन्नै साझा करा करते हैं जिम्मे मैं पहले सुनाया तो इंदी खुशी का ध्याड़ा असें भी कोशिश की ओद शामिल होने की और तुसें भी शामिल किया मेरे ख्याल से कुड पाइए मन तो थोड़ा भी करा दा तो अस भी कुड पाचै हूँ जिया जिया टीवी पर ट्यून चला दी तुस भी कुड पाओ तो दूर बैठी दी माता वो भी थोड़े इस कुड की दिखिए थोड़े पर आशीर्वाद भरोचा हथ रखे इस संस्कृति साझा होकर दी ग्रां रामगढ़ की तो हूँ ग्रां की होर टो लैने और किश लभदा वह भी तुहाडे तक पजाने का प्रयास करने Yeah.
दोस्तों ये रामगढ़ ग्रां इहदा की इतिहास है, इहदा नां कियां पिया, और खास करिए नागें दी इत्थे जिहड़ी जगह अस पिछे मंदिर दिखा करने आ, और खास करी इसकी देव भूमि कन्नै भी जाने जाने वाला एक ग्रां है, इत्थों दे माणुआं कन्नै गल कथ करने इहदा की इतिहास है वह भी थोड़ा तक पजाने का प्रयास करने। भाई जी की नाम है थोड़ा? मेरा नाम देवराज है। देवराज जी बग्गर भी आखदे ते रामगढ़ भी, इस इलाके का इस ग्रां का नाँ कियां पिया कोई दसिए साढ़े चल जी। सर इत्थे एक राजा हुंदा, उहदा नाम था राजा रामचंद जी। तो इसी खास करी लोग पहले इसी बग्गर बग्गर आखते कि इस ग्रां का नाँ बग्गर है, लेकिन राजा रामचंद ने इसका नाँ जरा वो बदलिया और इसका नाँ रखा रामगढ़। ये जो सा ग्रां इस वेले है ये रामगढ़ के नाँ पर इस वे मशहूर है जी। काफ़ी सारे लोग जोड़े ने वो इसी साड़ा जोड़ा रिकॉर्डी नाँ जोड़ा है, कोई रेवनीओ रिकॉर्ड का है, कोई इसका भी है, तो इसी हूँ इसका नाँ जोड़ा रामगढ़ ही रखा गया, बग्गर का इसी नाँ इस वे नहीं है। तो ये इलाका जोड़ा साड़ा खास कर रही है इस वे रामगढ़ के नाम पर मशहूर है। कि मुख्यतः व्यवसाय लोगों का जोड़ा इतना काम धंधा कर साढ़े लोगों का सा ज़्यादातर काम जोड़ा है वो जिमीदारी है, अस खास कर जिमीदारी करने साड़ी जी लोग है, खास कर सब्जियाँ जितने इतों की खास कर मक्की राजमा चावल दुए सब्जियां जिन्नी भी साड़ी देसी जड़ियाँ सब्जियां वो सारिया इतने पैदा होंगे, और इतों की सब्जियां जड़ियाँ साड़ियाँ अस इतों की सब्जियां खास कर जम्मू मंडी भेजते हैं, तो वो बाद साड़ा जोड़ा अच्छा पैदाश होंगी है और अच्छा असें दाम मिलता है इसका। एक गल और जी सब्जियों की गल तुम करा करते हो, अजक किसान जोड़ा है खास करिए सब्जियों से उर्वरक खाद पा दा और सब्जी तौले तैयार होंगी पर गुणवत्ता जी है वह घटती जा करती है, जोड़ा पुराना अस देखते भी देसी हल पाइए सब्जी तैयार होंगी जो खास करिए स्वाद का बखरा होंगे नरा। ठीक है थोड़ी गल अ बिल्कुल सहमत है इस गल उपर, लेकिन चक्कर लोग कुछ लोगों के पशु पालने जो बड़े घट रहे शुरू किए थे, क्योंकि अजकल ट्रैक्टर का जमाना आई है, लोगों ट्रैक्टर मतलब रखने शुरू करी ओड़े, ट्रैक्टर कन्नै बुआई शुरू करी ओड़ी, तो लोगों जो माल मवेशी जोड़ा है डंगर पालना बड़े घट करी ओड़े, तो इस करके कोई इल शिल बड़े घट पाते लोग ये अपना देसी, क्योंकि बनता नहीं है क्योंकि माल मवेशी बड़ा घट रखे दा, कुसे एक दो गौ रखे ले गई, कुसे कुछ रख लिया, कोई मंझ रख ली, तो वो कारण जी देसी हल जो नहीं है, और इस करके लोग ज़्यादा या यूरिया या DAP या MOP जो इस्तेमाल करा थे, उस सब्जियां जी अच्छी साड़ियाँ जे वो नहीं बने कर दी, देसी हल का इस्तेमाल जो वो नहीं होया करता। खास करिए चना दरिया बिल्कुल कंडे का परवसे का ग्रां जी, चना के उपर तो बड़ा इतिहास जुड़ेगा, मती सारिया प्रेम कथा भी जुड़ी दी, इस चना दरिया कन्नै ग्रां की पहचान मिली, कोई ऐसी पहचान है? पहचान सर ये मिली कि अस सदियों से सोचते आए कि इतना सर्वे होया कि इतने कोई डैम बनना है, तो इस डैम उपर बड़ा सारा साड़ी किश्तियां चलियां ये वो चलियां, तो वह कोई असं असर नहीं लगे, उल्टा असं नुकसान ही होया, नुकसान क्या कि साड़ी काफ़ी सारी जमीन जी वो चली, साड़ी जमींदार भी चली गए, साड़ा जोड़ा इलाका कुछ जिन्हें मतलब जंगल है वो भी खत्म होइए, माल बेचिया से ये कहने असं नुकसान हो तो कोई फायदा नहीं होया, कि गोरमेंट ने आखिया इतने कई किश्तियां चलिया, इतने टूरिज्म बनना वो बनना, तो अज तक कोई सब कोई भी नहीं बनया, अस दिखे करते हैं कि कदों इसका बनना है कदों की है, लेकिन साड़ा जोड़ा है वो बिल्कुल जो इसके कहने चुनाव बनने असं नुकसान ही है, वैसे फायदा कोई नहीं होया। बिल्कुल दोस्तों खास करिए बसनीक जोड़े ने इस ग्रां के उनके कने गल कथ करिए इतों का इतिहास थोड़े कने साझा करने का प्रयास किया, जी आखिर फिर रामगढ़ जोड़ा नाँ पिया ये राजा चनैनी के राम सिंह रामचंद होर उनके नाँ पर जोड़ा एक गढ़ बसया रामगढ़ के नाँ पर, अज उदी संस्कृति सभ्यता भाषा थोड़े कने साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, हूँ और कुसा का मंट टुटी उनके मना की गल भी थोड़े तक पहुँचाने का प्रयास करना।
दोस्तों रामगढ़ की पहचान ये राजमा ते चौल जिदे च देसी घ्यो ते अनारदाने दी चटनी का स्वाद वो तुस मेरी जीभा पर पहचान ही सकते हो। इस स्वाद की साझा करना साड़ा प्रयास है। मते सारे यात्रु जिहड़े मचेल जांदे ने जां भद्रवाह डोडा किश्तवाड़ जांदे ने उनके वास्ते ये एक ऐसी बसांग वाली थार है जिथे अपनी पेट पूजा करते हैं तो खास करके इसकी पहचान जी है ये असं तुहाडे तक पहुंचाने का प्रयास करा करने। इस स्वाद कन्ने दोस्तों मन तो नहीं करा करता कि अज की कड़ी अज का अंक अस समाप्त करचे पर समय इतने मजबूर अज की कड़ी अज का अंक इतने के संपन्न करने की अस आगे चाहते हैं। हाँ अगर तुम असं सादा देना चाहते हो तो घंटी मार सकते हो साढ़े इन्हें नंबर पर। ये कन्ने के कैमरामैन संजय कुमार ते मिगी प्रवीण शर्मा की दियो आ गया। जय जम्मू जय डुगर जय भारत। ठंडिया मिट्टिया वावा चुल्लिया अम्बे ते बौने दी छां देवी दे दुआले हुण चौंकिया थोड़ी सुआगे दा समां इन्ने सिद्ध साधे लोक कन्न भैया गल कत करने दा अपना मजा तुसी आओ साढ़े